रेस्टोरेंट स्टाइल कैपुचिनो हम घर पर बनाएंगे, वो भी बिना मशीन के। तो चलिए कबीर्स किचन में देखते हैं कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच पानी। तो ये तीनों हमको बराबर मात्रा में लेना है। ये मैं सिर्फ 1 कप के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1-1 चम्मच लिया है। अब उसे हम स्टिर करेंगे चम्मच से या कांटे से, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो लगभग हमको लगेगा इसे बनाने में 5 से 7 मिनट। अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं और ज़्यादा अमाउंट में बनाना चाहते हैं, तो आप ये बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो इसके लिए आप 4 या 5 कप के लिए आप ले लीजिए एक एयर टाइट डब्बे में, और यही सारी चीज़ अमाउंट बढ़ा दीजिए और पैक करके आप शेक कर दीजिए। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है, आप मिक्सर के जार में आप ये सारी चीज़ें डाल दीजिए, 5-6 जितने भी कप के लिए बनाना है, और फिर इसे चला लीजिए। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर आप 1 कप के लिए बना रहे हैं, तो आप कप से हाथ से ही कीजिए, क्योंकि अगर ये 1 कप के लिए जार या फिर डब्बे में बनाएंगे, तो वो उसी में स्टक हो जाएगा और फिर निकलेगा नहीं अच्छे से। तो ये लगभग 5 मिनट बाद इस तरीके से बना है, और 2 मिनट और फेटेंगे हम, ताकि और भी अच्छे से इसका टेक्सचर आ जाए। तो ये कलर चेंज होगा और इस तरीके का टेक्सचर आएगा। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम लेंगे दूसरे कप में गरम दूध और फिर इसे डेकोरेट करेंगे, ऊपर डालेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा अमाउंट में बनाएंगे, तो आप इसे फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। जब भी आपको पीना है, तो इस तरीके से मिक्स करके पी सकते हैं। अब हम इसे चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करेंगे। तो ये तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए मैंने चॉकलेट सिरप यूज़ किया है, लेकिन अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है, तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उससे इसका टेस्ट और भी एनहेंस हो जाएगा। तो कैपेचिनो हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, नॉर्मल कॉफ़ी से बहुत ही अच्छा। तो ज़रूर बनाइए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।